ओके, माहौल बना हुआ है। डीसी अपनी सबसे एंटीसिपेटेड मूवी यानी कि ब्लैक एडम लाने वाला है। अनफॉर्चुनेटली उसके सेकंड ट्रेलर में हमने इसका विलन भी देख लिया। यस, ब्लैक एडम का विलन ब्लैक एडम नहीं है, क्योंकि ट्रेलर 2 में हमें फर्स्ट लुक मिली है सेबैक की, जिसके बारे में जस्ट लाइक मी बहुत से लोगों को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि ये देखने में तो हेल बॉय की कोई गलती लग रही है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। बट इंटरनेट पर अपनी उंगलियां और अपना नॉट सो यूजफुल दिमाग का यूज करके मैंने इकट्ठी की है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सेबैक के बारे में। एंड क्योंकि हमारा चैनल भी छोटा है, तो इसलिए ये वीडियो भी छोटी होने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सेबैक की बात करें तो सेबैक कोई एक इंसान नहीं है जो कि सेबैक है, मतलब सेबैक एक टाइटल है जो कि टाइम टू टाइम बहुत से लोगों के पास गया। बट हाँ, ये सारे लोग सेम तरह की पावर शेयर करते हैं। एंड जैसा कि सजैम एंड ब्लैक एडम को अपनी पावर 6 ग्रीक गॉड से मिली है, और सेबैक को उसी के ऑपोजिट 6 हेल गॉड से मिली है, और इसे भी अपने ह्यूमन फॉर्म से डेमोनिक फॉर्म में आने के लिए सेबैक बोलना पड़ता है। फिर गिरती है इस पर एक बिजली और ये बन जाता है हेलबॉय की बहुत सारी गलतियों में से एक। ओके, हेलबॉय से इसका कोई लिंक नहीं है। वैसे सेबैक की बात करें तो इसका नाम भी उन्हीं 6 डेमन्स के नाम से मिलके बना है, यानी कि सैटर्न, एम, बेलिज़ेबब, एस्मेडियस और क्रेटिस। एंड इसकी पावर भी काफी कुछ सजैम और ब्लैक एडम से मिलती जुलती है। आई मीन सेम इनक्रेडिबल हेल्थ, उड़ने की शक्ति, इवन कि ये अपना बड़ा छोटा कर सकता है साइज बॉडी का, जिसके ऊपर से इसके पास है मैजिकल पावर्स, इसलिए ये बंदा सुपरमैन तक को टक्कर दे सकता है। जहां फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो इसे 1943 की कैप्टन मार्वल आउटसाइडर की कॉमिक में अपनी फर्स्ट अपीयरेंस मिली। तब से लेकर अब तक टोटल 4 लोग हैं जो सेबैक बन चुके हैं। जहां ओरिजिनल यानी कि फर्स्ट सेबैक की बात करें वो था टिमोथी कार्नेस, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इससे पहले डीसी की कॉमिक्स में ऐसा विलन किसी ने नहीं देखा था, जिसके ऊपर से इसके कनेक्शन नाजीज के साथ दिखाए गए, जो कि इसे और डेमोनिक बनाता, जिसके बाद आने वाले एडिशंस में इसकी पावर्स एक्सीडेंटली इसके फोस्टर ब्रदर फ्रेडी फ्रीमैन के पास भी जाती है, जो कि रीजन बनता है इन दोनों के बीच की टकरार का, क्योंकि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। खैर, ये इनके पर्सनल लफड़े थे, वो अपना निपटा लेंगे। जिसके बाद इस कैरेक्टर को दोबारा रीडिजाइन किया गया, एंड इस बार इस शक्तियों को समन करता है एक रशियन गैंगस्टर एशमिल ग्रेगोर, जो कि डेमोनिक रिचुअल्स करके सेबैक की शक्तियों को हासिल करता है। जिसके बाद इसका एक और वर्जन आया, और इन शक्तियों को पाने वाला एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था, थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई। इसका नाम था बिफ टेनन। तो हाँ, कॉमिक्स के अंदर कोई एक सेबैक बिल्कुल भी नहीं, यहाँ सेबैक्स है। बट खैर, ये तो थे सेबैक के वेरिएंट्स। बट एक्चुअल में डीसीयू में इसका क्या फर्क पड़ने वाला है, तो इसकी सीधी सीधी टक्कर ब्लैक एडम से है, जो कि उतना ही कंपैटिबल है जितना कि सुपरमैन, और एक विलेन का सुपरमैन के लेवल का होना, वो भी मैजिकल पावर्स के साथ। तो आप समझ सकते हो कि ये विलेन कितना पावरफुल हो सकता है, माइट बी द टफेस्ट वन ऑफ डीसीयू, अगर डार्क साइड चाय पीने धरती पर ना आए तो। और ब्लैक एडम जो कि खुद एक ग्रे कैरेक्टर है, ऊपर से हमने ट्रेलर में भी देख लिया कि भाई वो अपने ही बंदों को पीट रहा है, तो हाँ, एक स्क्रीन पर सेबैक और ब्लैक एडम दोनों को दिखाना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर सेबैक ब्लैक एडम का विलन नहीं है, बल्कि वो सजैम का विलन है। बट एक एंटी हीरो को हीरोज की टीम में डालकर एक सुपर विलन से लड़वाना, तो हाँ, अपनी स्टोरी लाइन से हटकर कैसे ब्लैक एडम सेबैक से टक्कर लेता है, इवन की साथ में उसको जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका से भी कोलैब करना है, तो हाँ, ये चीजें काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट उतनी ही इंटरेस्टिंग भी। बट मेरा डर बस इतना है कि कहीं डीसी भी मार्वल वाली गलती ना कर दे, जैसे डीसी ने गॉर जैसे सुपर विलेन को सिंगल मूवी शिट बना के छोड़ दिया, कहीं डीसी भी सेबैक के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि सच में काफी पोटेंशियल वाली आईपी है। तो हाँ, ये था थोड़ा बहुत जो भी मैंने सेबैक के बारे में इंटरनेट पर जानकारी इकट्ठी की। आई नो इसके अलावा भी बहुत कुछ है सेबैक के बारे में जानने को, बट मुझे लगता है शुरुआत के लिए इतना काफी है। टाइम के साथ साथ सेबैक और पूरे ब्लैक एडम को हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, बट अगर आपको मूवीज एक्टर्स के फैक्ट्स, मूवीज के रिव्यू और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।